वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर भारत की हुक्मरान जमात के नजरिए पर शदीद तनकीद, बीजेपी को मौजूदा दौर की नाजी पार्टी करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बीजेपी की क़यादत हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS नजरिए से मुतासर है और वो 21वीं सदी में 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी की वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा है कि यहूदियों के खिलाफ जैसे नाजी बोलते थे, अब बीजेपी ऐसे मुसलमानों के खिलाफ बात कर रही है। दिस वॉज ए कमिटमेंट वी हैड मेड ओवर सेवरल इयर्स ओवर सेवरल गवर्नमेंट्स। वी हैव कम्प्लीटेड द जॉब। वी नो वेयर द मुस्लिम पॉपुलेशन इज लार्ज, देयर इज ऑलवेज ट्रबल बिकॉज इस्लामिक आइडियोलॉजी सेज। If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That Article 14 guarantees equality of equals. I give you an example. Are all people not equal? All people are not equal. Muslims do not deserve equal rights to apply for citizenship. There's no such thing as equal rights. They are not in an equal category.